हेलो एवरीवन, सो आज एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली आज हम देखेंगे कैसे हम गूगल के नोटिफिकेशन को ऑफ़ करेंगे विंडोज़ 10 को यूज़ करके, क्योंकि बार बार होता ये है कि हम कोई भी काम अगर पीसी में कर रहे हैं तो इस तरीके से जब जैसे आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर साइड में, इस तरीके से कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। कभी कभार ये वाले पर्टिकुलर नोटिफिकेशन अच्छे होते हैं, कभी कभार ये वाला जो नोटिफिकेशंस होते हैं बहुत ही मतलब कि घटिया तरीके के नोटिफिकेशन अवेलेबल आ जाते हैं। सो उन सब को ऑफ़ करने के लिए सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। बेसिकली उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको पर्टिकुलर स्टार्ट बटन में जाना है और सेटिंग में जाना है। आप सेटिंग में मतलब कि कोई भी तरीके से जा सकते हैं, जैसे भी आप जाएँ आपकी मर्ज़ी। फिर यहाँ पर एक सिस्टम का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से क्लिक करिए। करने के बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशंस एंड एक्शन का बटन होता है, वहाँ पर क्लिक करिए। और करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन का पूरा सिनेरियो यहाँ पर अवेलेबल है। और नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ नोटिफिकेशंस के मतलब कि जो भी नोटिफिकेशन अभी आपके पर्टिकुलर पीसी में आते हैं व लगातार एक्टिव हैं, उस वाले नोटिफिकेशंस और ऐप्स का यहाँ पर एक सेट है लिखा हुआ है, जहाँ पर मैंने अभी फायरफॉक्स का जो नोटिफिकेशन है मैं इसको ऑफ़ कर दे रहा हूँ क्रोम उसका, और क्रोम का मैंने पहले ही ऑफ़ किया हुआ है। आप ऐसे इन नोटिफिकेशन को ऑफ़ करके उस वाले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।